गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, ओपन योर साइंस बुक एंड ओपन पेज नंबर 28। बच्चा पेज नंबर 28 में हम पढ़ रहे थे एनिमल्स, वुड एंड होम्स। तो इसमें हमारा हो गया था आज फूड्स तक हो गया था, आज हम करेंगे होम्स वाला, यानी कि होम्स ऑफ एनिमल। तो आप निकालिए पेज नंबर 35। तो यहाँ से देखेंगे, होम्स ऑफ एनिमल्स विल लिव इन हाउसेस। Houses protect us from heat, cold, wind, rain and enemies. So animals also need houses from protection from heat, cold, wind and rain. देखो बच्चा, जिस प्रकार से हमको क्या चाहिए होता है, घर चाहिए होता है जो हमारी सुरक्षा करता है हमारे दुश्मनों से, हवा से, ठंड से, धूप से, बारिश से, उसी प्रकार जानवरों को भी एक घर की जरूरत होती है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि अलग अलग जो जानवर होते हैं उनके घर कैसे होते हैं। दे लिव इन शेल्टर विच हैव स्पेशल नेम। उनके घरों के क्या होते हैं, स्पेशल नेम होते हैं। लायंस लिव्स इन डेंस। जो बाघ होता है, शेर होता है, क्या रहता है, गुफा में रहता है, डेन में रहता है। नाउ टर्न योर पेज। रैबिट इन अ बोरो। जो खरगोश होता है वो उसमें रहता है, रैबिट इन बोरोज मतलब छेद में रहता है, ठीक है। हॉर्स आर कैप्ट इन अ स्टेबल। जो घोड़ा तो अस्तबल में रहता है। काउस एंड बफेलोज आर कैप्ट इन शेड्स। गाय और जो भैंस रहती हैं वो शेड में रहती हैं। डॉग्स कैप्ट इन कैनाल। और जो कुत्ता होता है वो कैनाल में रहता है। नाउ टर्न योर पेज। पेट बर्ड्स लाइक पैरट एंड पिजन आर कैप्ट इन केज। देखो जैसे हमारा तोता होता है और जो अन्य जो कबूतर होते हैं उन्हें हम केज में रखते हैं, जिनको हम पालते हैं। फिश आर कैप्ट इन एक्वेरियम। और जो फिश होती है उसको हम एक्वेरियम में रखते हैं। हैंस इन अ कॉप। और हैंस को हम कॉप में रखते हैं। तो ये अलग अलग नाम है। अब क्या करेंगे बच्चा, टर्न योर पेज। अब हम करेंगे इसके एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 आज हम कर लेते हैं, 4 तक हम कर लेते हैं और 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, ओपन योर नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की डेट लिखेंगे और रिवीजन, एनिमल्स देयर फूड एंड होम्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई डू एनिमल्स नीड फूड। जानवरों को भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों पड़ती है, इसका आंसर है एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स सो दे नीड फूड। क्योंकि जानवर भी एक सजीव प्राणी है इसलिए उसको भोजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन टू, नेम द 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स डिवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ दियर फूड हैबिट। अब फूड हैबिट 3 टाइप्स के एनिमल्स आपको पता है। एक फर्स्ट है प्लांट ईटिंग एनिमल्स, दूसरा है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और तीसरा आएगा प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। यानी कि पहला वो है जो सिर्फ घास पत्तियां खाते हैं, दूसरे जानवर वो होते हैं जो मांस खाते हैं और तीसरे जानवर वो होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं। क्वेश्चन 3, नेम टू एनिमल्स विच सॉलो देयर फूड एज अ होल। ऐसे जानवर का नाम लिखना है जो अपना पूरा भोजन क्या कर लेता है, निगल लेता है। तो वो है फ्रॉग और लिजर्ड। ये क्या कर लेते हैं, सीधा अपना भोजन निगल लेते हैं। नाउ टर्न योर पेज। क्वेश्चन 4th है, व्हाट काइंड ऑफ टीथ डू ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैव। जो जानवर क्या खाते हैं, घास खाते हैं, उनके दांत कैसे होते हैं, इसका आंसर है ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैव शार्प फ्लैट फ्रंट टीथ। इनके आगे के दांत क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं सामने के, शार्प मतलब बहुत तेज होते हैं और फ्लैट होते हैं आगे के दांत, जो क्या खाते हैं, घास खाते हैं। तो इसमें हम इतने 4th क्वेश्चन करेंगे, आगे के क्वेश्चन, आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।